अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल डॉट पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान राजा जुनेद जंजू। आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट दानिश सईद साहब। हम जानेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की तरफ कब आए और जियो सुपर में कब से खिदमत दे रहे हैं। आए नाज़रीन हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सर। सबसे पहले बताएं क्वेटा में आके कैसा लग रहा है? क्वेटा में आके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिलती है, खाने बड़े मज़ेदार हैं, मौसम बड़ा मज़ेदार है, क्या नहीं है इस शहर में। इस शहर में सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी? खाने। अच्छा, कौन कौन से खाने खाए? सब कुछ खा लिया हमने, रोज खा लिया हमने, खड़ी कबाब खा लिया हमने, काबली पुलाव खा लिया और जगह जगह का खा लिया, मतलब हर जगह जाकर ना, बड़ा मज़ेदार। अच्छा सर, अभी हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरफ कब आए और क्यों आए? एक्चुअली स्पोर्ट्स में हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा मुझे। ग्रोइंग अप मैं जुनून की हद तक क्रिकेट खेलता था, इतना जुनूनी थे कि हम पथरीले ग्राउंड पे डाइवे मारने वाले प्लेयरों में से थे। तो जब उस लेवल की आप एक दफ़ा स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ कर लें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ और करना। तो आई थॉट जो मेरा जुनून रहा है उसी को अपना प्रोफेशन बनाता हूँ। आई गॉट इनटू स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अच्छा सर, हमें बताएं आप जियो सुपर कब ज्वाइन की? 2003, तो 20 साल हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को टिप्स देने जाएंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बी योर सेल्फ और इंसाफ करें। आई थिंक हम थोड़ा सा भटक जाते हैं ये सोचकर कि हम दोस्तियां करेंगे लोगों से, प्लेयरों से हमारी दोस्तियां होंगी, हम प्लेयरों को खाने पे लेके जाएंगे और उनके नंबर्स हमारे पास होंगे तो हमें बेहतर मौके मिलेंगे। ऐसा नहीं है, जब ऐसा होता है तो आप मजबूर हो जाते हैं उनको फेवर्स देने के लिए। आई थिंक इंसाफ करना, आप चाहे डॉक्टर हैं, चाहे आप जर्नलिस्ट हैं, चाहे आप प्लेयर हैं, अपने फैशन के साथ इंसाफ करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इंसाफ करेंगे तो खुद मुतमईन होंगे और रात को नींद अच्छी आएगी। अच्छा सर, आपको कौन सी गेम में सबसे ज़्यादा कमेंट्री करने में मज़ा आता है? सारे गेम अच्छा होना चाहिए, जैसे कि हॉकी मेरा गेम नहीं है, बट आई लाइक दिस गेम। और जब इंटरेस्टिंग मैच चल रहा हो तो उसमें उतना ही मज़ा आता है जितना क्रिकेट की कमेंट्री करने में मज़ा आता है। तो आई थिंक टीमों पर डिपेंड करता है, अगर कांटेदार मुकाबला हो रहा होता है तो इंजॉयमेंट आ ही जाती है। इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा मैच कौन सा लगा आपको? काफ़ी सारे मैच थे, जो सेमीफाइनल हुआ था ना कल जो हुआ था सिंध और बलूचिस्तान कलर्स के दरमियान, वो बड़ा ही कांटेदार सेमीफाइनल था। आखिरी वक्त तक फंसा रहा, पेनल्टीज़ पर गया और फिर जाकर फैसला हुआ, तो कांटेदार मैच था। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे दानिश सईद, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, सीनियर है। मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ, आप देखते रहे सोशल डॉट पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।